हमारे चैनल संस्कृत नए नम को सब्सक्राइब करके पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको संस्कृत नए नम चैनल पर। आज हम देखेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम फॉर्म फिलअप आए हैं उसके बारे में कि क्या कैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे sanskrit.nic.in जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चले जाना है। उसका होम पेज पे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे जो परीक्षा है तो आवेदन पत्र का निर्देश दिशा निर्देश है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे एग्जाम सेक्शन की फॉर्म फिलअप में आप आ जाओगे। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है जो फीस स्ट्रक्चर है उसको आप पहले से पढ़ लीजिए जो है। उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे जो ब्लू मार्क में जो लिखा हुआ है डाउनलोड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिए पहले। तो फिर देखो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है जो आपके सारे जितने सेमेस्टर एग्जाम हैं शास्त्री, शास्त्री प्रतिष्ठा, शास्त्री में तीनों वर्ष के लिए और भी उसके बाद आचार्य फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए, उसके बाद शिक्षा आचार्य फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है 500, 500, 500, 600, 600, 600, 600, 600 ये सब आपको इतने ही फीस आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जो हमारे परीक्षा आवेदन की जो तिथि है वो 18 से 30 तारीख है। 30 तारीख के बाद आप ऑनलाइन के जरिए आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, ये जो साइट है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आवेदन पत्र को सावधान मतलब पूरा करना है। उसके बाद विषय का जो कोड है जो उसको ज्वाइन करना, विषय का कोड कहाँ मिलेगा आपको ये मैं इसके बाद दिखा दूंगा। विषय कोड हर क्लास के अलग, हर सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट कोड है, उसको फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए इसके बाद जो प्रिंट आउट करने के बाद जो फॉर्म फिलअप है उसको फॉर्म फिलअप करने के बाद जो उसको प्रिंट आउट करोगे उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है उसको कैसे पेमेंट करोगे ना, उसको आपको डीडी करना पड़ेगा। डीडी किसके नाम पे होगा ना, यहाँ पे लिखा गया है जो बैंक ड्राफ्ट है उसको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इसके नाम पे लिखा हो, इसके नाम पे आपको डीडी करना पड़ेगा। जो डीडी के फॉर्म में लिखा होगा डिमांड फीवर मैं दिखा दूंगा आपको स्क्रीन में, इसके नंबर पे आपको डीडी करना ही होगा। डीडी करने के बाद जो डीडी आपको मिलेगा बैंक से उसके पीछे पलट दोगे तो उसके पीछे साइड आपको क्या करना, आपका नाम लिखना है, आपके कक्षा का नाम भी लिखना है, उसके साथ आपका मोबाइल नंबर एवं आपका संस्था का नाम मतलब आपके कैंपस का नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कैंपस है अभी सदाशिव कैंपस पूरी, तो यहाँ पे पीछे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लिखना है श्री सदाशिव कैंपस पूरी, ये लिख देना है। उसके बाद आपके जो प्रिंट आउट का फॉर्म है और ये जो डीडी है ये दोनों आप कैंपस में जमा करना है, या फिर आप फिजिकली थ्रू आप कैंपस में जमा कर सकते हो, या फिर आप इस फॉर्म को अटैच करके कहीं पे स्पीड पोस्ट भी आपके कैंपस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके कैंपस तक भी भेज सकते हो, ये दोनों आप कर सकते हैं। अब चलते हैं फॉर्म के ऊपर। पहले जो बताए थे इससे पहले जो फीस स्ट्रक्चर में जो इंस्ट्रक्शन में बता रहा था कि सब्जेक्ट कोड के बारे में, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा उसका लिंक है। तो शास्त्री और शास्त्री प्रतिष्ठा के लिए जो फर्स्ट सेमिस्टर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, फिर ये थर्ड सेमिस्टर के लिए सब्जेक्ट कोड है, ये फिफ्थ सेमिस्टर के लिए, उसी तरह आचार्य फर्स्ट सेमिस्टर और थर्ड सेमिस्टर, उसके बाद ठीक उसी तरह शिक्षा आचार्य फर्स्ट सेमिस्टर और थर्ड सेमिस्टर लोगों के लिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट कोड। फिर आते हैं एग्जाम के फॉर्म के बारे में। तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपस हैं जो 12 कैंपस है उसके लिए जो फॉर्म फिलअप है यहाँ पे करना है, और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी अफिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं उसके लिए यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है। तो हम चलते हैं पहले कैंपस के बारे में। तो कैंपस के ऊपर क्लिक कर दिया हमने, फिर यहाँ पे उसी तरह जैसे एडमिशन का फॉर्म जैसे होता है उसी तरह यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन मैं कर लेता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे फिर से भाई उसी पेज में आप चले आओगे, यहाँ पे उसी ईमेल आईडी या नंबर से यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड क्लिक कर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा आपका नाम ईमेल आईडी पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जो है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, ये क्लिक करने के बाद
आपका ये होम पेज आएगा। मैं ये जो फॉर्म है मैं अपने स्मार्टफोन से ही भर रहा हूँ, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है कि ज़्यादा कुछ आप कोई नेट सेंटर में बैठ के, कोई डेस्कटॉप में भर के या लैपटॉप में बैठ के करना पड़े, कोई नहीं, आप अपने स्मार्टफोन से ही ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक, तो पहले हम भरते हैं अपना कैंपस, लिए कैंपस भर लिया। फिर आपका जो कोर्स है मतलब क्लास, कौन सी सेमेस्टर के लिए आप अपना फॉर्म भर रहे हो, शिक्षा आचार्य मैं भर रहा हूँ 3rd सेमेस्टर के लिए, ये मेरा नाम आ गया यहाँ पे, देवनागिरी में आपका नाम लिखना है। ठीक, ये मैं बाद में लिखूँगा, पहले दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपलोड फोटो, तो स्मार्टफोन में कैसे अपलोड होता है फोटो, पिछली बार कमेंट में पूछ रहे थे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो फाइल ऑप्शन है, फाइल पे चले जाना है। फाइल पे चलने आपका पूरा फाइल आ जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट साइड जो 3 की है। इसके बाद यहाँ आप देखो गैलरी, गैलरी चूज करते तो हुए गैलरी आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह मैं यहाँ पे अपना जो फोटो और सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर दिया। इसके बाद मेरे पिताजी का नाम और हिंदी में देवनागरी में उसको लिख दिया। फिर उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी तुरंत भर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिटेल्स ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट, आप इसमें क्या बनना है, जो आप इससे पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं वो भर सकते हो, इसमें कोई नहीं। आप 1st सेमेस्टर दे रहे हो तो आपके पिछले एग्ज़ाम जो हैं वो भरिए। लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट भरने के बाद आपको यहाँ पे पेपर आ जाएगा, पेपर 1, पेपर 2, ऐसे 10 पेपर हैं, तो जिसको जितना पेपर है उसको इतना ही भरना है। हमारे यहाँ पे ऐड करना है पेपर 1, फिर पेपर कोड का ऐड करना है, तो इसी हिसाब क्लास के हिसाब से ये पेपर कोड आ गया है। फिर नेक्स्ट ऐड करना है, फिर भर दीजिए आप क्लास में कितना पेपर है उतना यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे इतना आप भर दीजिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारा और पेपर नहीं है तो मैं और नहीं भरता हूँ, बस खत्म। फिर यहाँ पे क्या क्या अटैच करना है आपकी इसके साथ, जो आप प्रिंट आउट करोगे उसके साथ क्या क्या अटैच करना है वो यहाँ पे टिक करना है। ये देखो 10th मार्कशीट ईएस है, प्रीवियस पास एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है उसको भी ईएस करना है यहाँ पे, प्रीवियस पास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट जो है उसको भी यहाँ पे भरना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और 10th मार्कशीट एक ही है तो ये ऐसे रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी हैं आपको या अगर हो तो ये भर दीजिए। अगर आप एडमिशन टाइम में माइग्रेशन वाइग्रेशन नहीं भरा है तो यहाँ पे माइग्रेशन दीजिए, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर 2nd ईयर में या 3rd ईयर में हो तो इसको नो कर दीजिए, इसको भी माइग्रेशन यूपीआर संस्थान स्टूडेंट टिक यस। अगर आप संस्थान के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए। ये सब भरने के बाद यहाँ पे ये जो डिक्शनरी में है इसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक करिए, फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड क्लिक कर दिए। नहीं मैं दिखा रहा है, प्लीज ऐड पेपर 4, पेपर 4 मुझे यहाँ पे ऐड है नहीं, फिर ऐड करके यहाँ पे एनए कर दीजिए, किसी किसी का अगर नहीं ये दिखा रहा है तो इसको ऐसे ऐड कर करके एनए कर दीजिए। लेकिन जिस जिस क्लास में ये पेपर है 1 से 10 तक पेपर है तो आपको ऐड करके पेपर कोड आ जाएगा, उसको ही क्लिक करिए। जैसे हमारे क्लास में ये पेपर नहीं है इसलिए मैं ये सब्जेक्ट कोड क्लिक करने के बाद कोई भी कोड नहीं दिखा रहा, सिर्फ एन ए करके छोड़ दे रहा हूँ।
ठीक है, सब एन 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 करके छोड़ दिया। आपके पास अगर आचार्य हो तो पांच पेपर है, पांच पेपर का कोड आ जाएगा इसमें, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भर दीजिए, भरने के बाद ठीक उसी तरह सेवन प्रोसेड, ये देखो हो गया सेव, यह आ गया। काइंडली नोट योर नंबर फॉर फ्यूचर यूज। ओके, तो यहाँ पे फिर से लिख दिया, यहाँ पे पैसे है इसकी बैंक जो ड्राफ्ट है वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के नाम से ही यहाँ पे देखना। इसके बाद प्रिंट आउट कैसे निकालना है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर से आप बैक आ गए उसी पेज में, फिर यहाँ पे कैंपस के साइड में जाइए, यहाँ पे फिर आप लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप व्यू एप्लीकेशन फॉर या फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उसको प्रिंट पीडीएफ में निकालना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर में जाइए। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर में जाते हैं, ऑटोमेटिक ये यहाँ पे दिखाई देगा, ये जो पेजेस है यहाँ पे आप सेव कर लीजिए, सेव एज पीडीएफ। तो दोस्तों ये रहा सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम फॉर फिल्म है उसी के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय संस्कृतम, जय भारतम।